بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه المجتبى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ العفو وأمر بالمعروف وقال الله تبارك وتعالى قد أفلح من تزكى صدق الله مولانا العظيم قابل احترام عزيز بزرگوں نوجوان بھائیوں انسانی معاشرے میں اخلاقیات ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. کوئی بھی معاشرہ جہاں انسان آباد ہو کوئی بھی معاشرہ جہاں انسان آباد ہو وہاں اخلاق کی اہمیت بھی ہے اخلاق کی ضرورت بھی ہے. اور وہ معاشرہ جہاں کوئی انسان نہیں ہے تو نہ وہاں اخلاق کی ضرورت ہے نہ اخلاق کی اہمیت ہے. جیسے آپ لوگوں نے بھیڑ بکریوں کا ریوڑ دیکھا ہوگا, گائے بھینس جو پالتو جانور ہے ان کا ریوڑ, یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھی ہوگی ہوں گی. ان میں کبھی دیکھا آپ نے ڈسپلن اخلاق؟ ان میں کوئی ڈسپلن نہیں ہے, ان میں کوئی اخلاق نہیں ہے, الا یہ کہ ان کو ٹرینڈ کیا گیا, ان کو ٹرینڈ کیا گیا کہ بھائی تم کو یوں کرنا ہے. بہت ساری ویڈیوز آپ دیکھتے رہتے ہوں گے, ان میں بعض ویڈیوز ایسی بھی آتی ہیں جانوروں کو سکھایا جاتا ہے, ٹرین کیا جاتا ہے. تو وہ اپنے کھانے کے وقت میں کھا بھی رہا ہے اور اسی وقت دودھ بھی وہ دے رہا ہے. دودھ نکالنے کے لیے کسی دوہنے والے کی ضرورت نہیں ہے, مشین سے وہ لگا دیا جاتا ہے, بہت بہت دودھ نکل آتا ہے. یہ ڈسپلین ان کو ٹرین کرنے کی وجہ سے دیا گیا ہے. ہم انسانوں کا جو معاشرہ ہے, میں نہیں کہہ رہا مسلمانوں کا, انسانوں کا, انسانوں کا معاشرہ یہ بغیر اخلاق کے نہیں چل سکتا. انسانی معاشرے کی بقا, انسانی معاشرے کا استحکام اور انسانی معاشرے کا قائم رہنا وہ اخلاق ہی کے ذریعے سے ممکن ہے. اگر اخلاق نہیں ہے تو پھر ہم میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں. اخلاق اگر نہیں ہے تو ہم میں اور حیوانوں میں کوئی فرق نہیں. اگر واقعی ہم انسان ہیں, انسانی زندگی گزارتے ہیں, تو پھر اخلاق کا ہونا انسانی معاشرے کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعلق جو بات ارشاد فرمائی, بعثت لأتمم مکارم الاخلاق, کہ میں مکارم اخلاق, اخلاق کی جو عمدگی ہے, اخلاق کے جو بلندیاں ہیں, ان بلند اخلاق چیزوں کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں. میرے دنیا میں آنے کا مقصد اخلاق کی تکمیل ہے.
अब हम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखो जब भी हुजूर का नाम है ना सारा मजमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ेगा, इस जोर से पढ़े कि गूंज की कैफियत पैदा हो, क्योंकि लानत फरमाई है हजरत जिब्राइल ने कि वो आदमी हलाक हो जाए, बर्बाद हो जाए और उसका नाश हो जाए जिसके सामने आपका जिक्र मुबारक आए और वो आपका नाम सुनकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना कहे। बोलो, इतनी आवाज को आनी चाहिए। दारुलूम देवबंद में, दारुलूम देवबंद में और मज़ाहिरुल उलूम में, नदवा में, जहां कईयों बच्चे दरसे हदीस में बैठते हैं, तो वहां हदीस पढ़ी जाती है, तिलावत होती है, फिर उसके बाद जहां हदीस पर कलाम करना होता है वो कलाम उस्ताद करते हैं। जैसे हदीस को पढ़ेंगे तो उसका तरीका ये होगा, अन कतादा अन अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पढ़ने वाला पढ़ता है तो पूरा मजमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक वक्त में हजार मर्तबा नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तमाम हदीस पढ़ने वाले तलबा, पढ़ाने वाले उस्ताद एक साथ दरूद व सलाम भेज भेज। ऐसे उम्मती है नबी के कि हमें दरूद याद नहीं आता, हम बड़े अजीब उम्मती हो गए। हर नबी के लिए अल्लाह ने एक दुआ रखी है और उस दुआ को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया मैं जरूर कबूल करूंगा। एक दुआ हर नबी को अल्लाह ने दी है, अंबिया ने अपनी अपनी दुआएं अपने अपने मौकों पर और अपने अपने हालात के एतबार से, जरूरत के एतबार से मांगे, लेकिन कुर्बान जाओ नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि आपने उस दुआ को उठा के रखा, उस दुआ को आपने उठा के रखा है किसके लिए? अजवाज के लिए, अपनी अपनी बेटियों के लिए। चाहते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ दुनिया ही में फरमा सकते थे, क्योंकि तीन नरीना औलादे हुई है। तीन नरीना, नरीना समझते लड़के, नरीना मादीना, कुर्बानी में जब अपने मादी बकरी है नर बकरी है नहीं बोलते, सब मालूम है, अल्फाज को थोड़ा बोल रहे तो नहीं मालूम। नरीना बोले तो हमारी कैटेगरी मर्द, मादीना बोले तो औरत बची थी। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तीन नरीना औलादें अल्लाह ने दुनिया में अता फरमाई और तीनों का इंतकाल कब हुआ? तीनों का इंतकाल बचपन में हुआ। आका की सीरत, सीरत नहीं पढ़ रहे घरों में, रबीउल अव्वल शुरू हुए वक्त में बोला था रोजाना 10 से 15 मिनट सीरत की कोई किताब पढ़ो, बोल के नहीं पढ़ रहे आप, नहीं है हमारे को नबी से मोहब्बत, झूठे हैं, झूठे हैं हम जो सिर्फ दावा करते हैं हमारे को नबी से मोहब्बत है, नबी से इश्क है। नबी से मोहब्बत और नबी से अगर इश्क होता तो आपकी सीरत पढ़ते अपने घरों में। मैंने बताया भी कि रात का खाना जब खाओ तो खाने से पहले या खाने के बाद 10 मिनट सीरत पढ़ो अपने घरों में। दो से तीन लोग फोन करके पूछे मेरे को मन साहब कौन सी किताब पढ़ना, बस कितना बड़ा मजमा है आजकल तो रोमन में भी हर चीज मिल रही है, रोमन इंग्लिश में भी हर चीज मिल रही है, सारी चीजें हैं, मगर हम चाहते थे। तो हुजूर के
तीन नरीना औलादे हुई, हजरत आसिम, हजरत तय्यिम, इन्हीं का एक लकब बाहिर भी था और इन्हीं को अब्दुल्ला भी कहा जाता था, और एक हुए हैं हजरत इब्राहिम। ये तीन नरीना औलादे हुजूर को हुई और तीनों का इंतकाल बचपन में हुआ। हुजूर चाहते तो वो दुआ कर सकते थे कि अल्लाह एक नरीना औलाद मुझे दे दे और वो अपनी जिंदगी जिए, लेकिन हुजूर ने वहां पर भी वो दुआ नहीं फरमाई। हुजूर के गज़वे उहद में दंदाने मुबारक शहीद हुए, खौफ की कलियां आपके चेहरे मुबारक में चुभ गई, हुजूर ने उस मौके पर भी वो दुआ नहीं फरमाई। और हुजूर ने वो दुआ बचा के इसलिए नहीं रखी कि अज़वाज के लिए दुआ करें, औलाद के लिए दुआ करें, अहले बैत के लिए करें, सहाबा के लिए करें, नहीं, हुजूर ने वो दुआ सिर्फ अपनी उम्मत के लिए बचा के रखी। हुजूर ने वो दुआ अपनी उम्मत के लिए बचा रखी है कि कल मैदान कियामत में मैं अपनी उम्मत के लिए शफाअत करूं। नबी तो इतना सोचे हमारे बारे में और हमें नबी पर दरूद पढ़ना भी याद ना रहे, तो इसीलिए मैंने कहा जब भी बयान में, जहां भी बयान सुनो, जिस जगह, जिस मस्जिद में, जिस जलसे में, जिस इलाके में, जहां बयान सुनो और उस बयान में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक आए, जुबान पर खुद जारी हो जाना चाहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि अखलाक जो है वो इंसानी मुआशरे में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। अगर अखलाक है हम इंसान, और अगर अखलाक नहीं है तो हम में और हैवानों में कोई फर्क नहीं। वो मुआशरा जो अखलाक से आरी होता है, अखलाक जिस मुआशरे के अंदर नहीं पाए जाते, फिर उस मुआशरे में झूठ, बददियानती, जुल्म, नाइंसाफी और एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे के साथ गलत रवैया इख्तियार करना, ये सारी चीजें उस मुआशरे के अंदर जड़ पकड़ लेती। हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मकारिम अखलाक की तकमील के लिए भेजा गया हूं। और मकारिम अखलाक क्या है? आपके अंदर इल्म हो, बर्दाश्त हो, सच्चाई हो, दयानत हो, सदाकत हो, आपके जरिए आपका पड़ोसी खुश रहे, आपका पड़ोसी आपसे बदसन न रहे। हुजूर ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युमिन जारहु बवाइदहु, कि तुम में वो आदमी कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता जिससे उसका पड़ोसी उसकी तकलीफों से महफूज न रहे। सहाबा फरमाते हैं हुजूर अपने पड़ोसियों के मुताबिक इतनी ताकीद फरमाते, इतनी ताकीद फरमाते, हमें लगता कि कहीं हमारी विरासत में उसको हिस्सेदार ना बना। अब जरा हमारा मुआशरा थोड़ा गौर करके देखो कि हमारे अखलाक किस तरह तरह और हम अखलाक के किस जुमरे के अंदर आते हैं। गजवे बहुत हुआ, गजवे बदर हुआ और कई ऐसी जंगें हुई। हुजूर के अखलाक का मुजाहरा अगर करना हो तो एक जंग में सहाबा ने एक आदमी को जो उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे पकड़कर हुजूर की खिदमत में लाकर पेश कर दिया। सुमामा इब्ने उस्साल सहाबी का नाम, ये आए हुजूर की खिदमत में कैदी बनकर, मुजरिम बनकर, और आकर हुजूर के सामने खड़े हो गए। हुजूर ने फरमाया क्या किया है तुम्हारा, क्या सुलूक किया जाएगा आपके साथ? सुमामा इब्ने उस्साल ने कहा कि आप चाहे तो कत्ल कर ले, मैं कत्ल होने के लिए तैयार हूं,
और अगर आप चाहें तो छोड़ दें, रिहा कर दें, ये आपका मुझ पर एहसान होगा। और अगर आप चाहें रिहा करने के बदले कुछ इवज आपको मिले, कुछ पैसे आपको दिए जाए, मैं उसके लिए भी तैयार हूं, आप जितना मांगोगे मैं आपको दे दूंगा। और ये उस वक्त में सरदार किस्म के आदमी थे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिहा किया, और सरदारों को रिहा करना एक बड़ा अजीब मामला था। हुज़ूर ने रिहा फरमा दिया। अब जरा और गौरव के हुज़ूर के अखलाक का असर कैसे हुआ कि वो सुमामा इब्ने उस्ताद करीम के एक बाग में गए, गुस्ल किया, कपड़े बदले और हुजूर की खिदमत में आकर कहा, या रसूल अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं मुसलमान हुआ। जिस गुलाम को आपने आजाद कर दिया अपनी मर्जी से, वो आदमी अपनी खुशी से आकर आका की गुलामी में आना चाहता है। ये अखलाक है हुजूर के। एक और बात यहां जहन में आया, एक यहूदी आया हुजूर के पास, हुजूर का मेहमान बनकर, और यहूदियों ने जो बशारात अपनी आसमानी किताबों में हुजूर से मुतालिक पढ़ी, उनमें एक ये भी था कि आप बड़े मेहमान नवाज रहेंगे और आप दिल के इंतहाई नर्म रहेंगे। तो यहूदी आया, उसने इस बात को नोटिस करना चाहा, अमली तौर पर देखना चाहा कि जिन बशारतों का आपके बारे में तस्किरा है, आया वो वाकई सही है या फिर उसके अंदर कुछ कुछ कभी बेशी हो सकती है। वो मेहमान बनकर आया हुजूर का, रात उसने खाना तनावुल किया और हुजूर की वो कंबल, वो चादर जिसके एक एक धागे पर फरिश्तों को रश्क है, जिसके एक एक धागे पर फरिश्ते अश अश कर उठते हैं, हुजूर ने वो चादर उस यहूदी मेहमान के लिए बिछा दी और कहा कि भाई तुम हमारे मेहमान हो और मेहमान की ज़ियाफ़त करना, उसकी खिदमत करना, ये हमारा दीन है और हमारा मजहब ये सिखाता है, लिहाजा तुम इसी चादर पर आराम कर लो। सहाबा की चीजें निकल गई कि या रसूल अल्लाह, आपकी कंबल मुबारक, आप कहते तो हम इसके लिए कोई दूसरा बिस्तर लगा देते। हुजूर ने फरमाया, ये तुम्हारा नहीं, ये मेरा मेहमान है, इसके मुताबिक तुमसे नहीं मुझसे सवाल होगा। हुजूर ने अपनी कंबल बिछाई, उसने रात में आराम किया और फजर से पहले उस यहूदी ने हुजूर की उस कंबल पर गिलाजत कर दी, हुजूर की उस कंबल पर गिलाजत कर दी। आप अंदाजा लगाइए कि सहाबा को कितना गुस्सा आया होगा। सहाबा बिल्कुल जोश में आ गया, कहा, या रसूल अल्लाह, आप इजाजत दें, मैं हम उसकी गर्दन उड़ा देंगे, उसने आपके शान में ऐसी गुस्ताखी की है। हुजूर ने फरमाया, नहीं, हो सकता है उससे ये चीज गलती से हो गई हो, खतान हो गई हो, जानबूझकर उसने न किया हो। फिर हुजूर उस चादर को खुद उठाते हैं, सहाबा कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आप ये अमल न फरमाएं, आप हमको देते हो, यहूदी नापाक नजिस की गलाजत आप क्यों उठाएंगे, आप हमें हुक्म फरमा दें, हम इसको साफ कर देंगे। हुजूर ने फरमाया कि वो मेरा मेहमान था, वो मेरा मेहमान था और चादर भी मेरी है। हुजूर ने उस चादर को उठाया और उस यहूदी की गलाजत को आपने अपने हाथ मुबारक से साफ किया, दस्ते मुबारक से साफ किया और फिर उसको धो करके आपने सुखाया, और वो यहूदी एक जगह छुप कर ये सारा मंजर देख रहा था। जब आपने इस अमल से फराहत पाई, आपने उस चादर को धोया, सुखाया, वो आपके कदमों में आकर के पड़ गया, कहा, या रसूल अल्लाह, जिन बशारतों का जिक्र हमारी आसमानी किताबों में हमें मिला है, वो यकीनन आपके अंदर पूरे तौर पर मौजूद है, कलमा पढ़ाइए, मुझे मुसलमान कर। तो ये हुजूर के अखलाक हैं। आज हम उन्हीं का नाम लेते हैं, उन्हीं के नाम से जो है अपनी दुनिया और आखिरत के भले होने के दावेदार हैं। झूठ हमारे अंदर,
कारोबार हम करें तो बेईमानी के बगैर हमारा कारोबार नहीं, हम बात कहें तो हमारी बात में झूठ के बगैर कोई और बात नहीं है। किसी को खुश करने के लिए झूठ कह दिया, किसी को चढ़ाने के लिए झूठ कह दिया, जबकि दिल के अंदर उसकी रद्दी बराबर कोई हैसियत नहीं। मगर सामने वाले को खुश करना यह मुनाफ़त है, यह डोगलापन है कि किसी को खुश करने के लिए सामने तारीफें कर दो, जैसे ही वो पीछे पलटे तो कहो कि भाई इससे बेकार आदमी तो हमारे महल में बैठे हुए, ऐसे बहुत मिलेंगे आपको। अपनों के चेहरों में निफाक छुपा हुआ है। हुजूर ने फरमाया ये डोगलापन अल्लाह को पसंद नहीं। हदीस में फरमाया मुनाफिक की तीन अलामतें हैं, इदा हदफा कज़िबा जब बात कहे झूठ बोले, वइदा वादा अखलफा जब वादा करे वादा तोड़ दे, वइदा तुमीना खाना और जब उसके पास कोई चीज बतौर अमानत रखवाई जाए उसमें खियानत कर दे। हमने अमानत समझा है कि कोई लाके पैसे रखाया चीज रखाया तो ही अमानत। हमारा मशवरा या हमारा कोई राजदाराना बात करना ये भी अमानत है, ये भी अमानत है, और हम उस अमानत का सरे बाजार जो है इजहार करते हैं। देखो आज हमारी तिजारतें नाकाम है, क्यों? वजह उसी ये है कि हमने तिजारत से सिर्फ को खत्म कर दिया, दियानत को खत्म कर दिया, सच्चाई को खत्म कर दिया, और सबसे बड़ी चीज खास तौर से मुस्लिम ताजिरों ने अपनी तिजारत से अखलाक को खत्म कर दिया। अखलाक ही हमारे मुस्लिम ताजिरीन के अंदर। एक आदमी बड़ा ताजिर था, बड़ा ताजिर तिजारत में उसका अच्छा सिक्का भी जमा हुआ था। हालात बदले और हालात बदलने में देर नहीं लगी, रातों रात हालात बदल जाते हैं जी, रातों रात हालात बदल जाते हैं। और हमारे मुसलमान इतने भोले हैं, इतने मासूम हैं कि हजार हाथ धोखे खाएंगे मगर यकीन बाहर वालों ही पर करेंगे। सईद भाई अलफलाह कंपनी, हम तो जब बचपन में थे बहुत छोटे, वहां से हैदराबाद के अंदर ये धोखाधड़ी वाली कंपनियों का आगाज हुआ, उससे पहले भी रहा होगा लेकिन हमारी दानिश सुने वहां से। अब उसके बाद मुस्तकिल चलती रही, वो क्या था, वो ई स्टोर आया, वही लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अब वो खत्म नहीं हुआ, वो आरजेडी का था, वो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, उसमें 18,000 लोगों के जो है पैसे लगे हुए हैं, 7,000 लोगों के पैसे लगे। अबे रातों रात कोई अमीर नहीं बनता बेवकूफो, कोई बनता रातों रात अमीर? लॉटरी लगना पड़ता, वो भी हराम है शरीयत के, वो भी हराम है। रातों रात अमीर बनने की फिक्र, और मेन चीज क्या हो गई, हम मुसलमानों में काम तो हक नहीं हो रहा, ऐदी बन गए, इतने ऐदी बन गए, इतने ऐदी बन गए कि भाई बोले वो ऑनलाइन गेमिंग में कमाने के लिए होता क्या, एक मरतबा आता दो मरतबा आता उसके बाद में रिलीज पड़ती, वो आना भी पूरा निकालने के वास्ते रहता होगा, वो आना भी पूरा निकालने के वास्ते, एक दो मरतबा आ गया अब उसके बाद में इनको रिलीज पड़ी, अरे 1,000 लगाया एकदम 5 आ गए, 5 लगाया एकदम 15 आ गए, अब 15 लगाए तो 30 आते हैं लोग, पूरे 15 लगाते पूरे 15 चले जाते। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि तिजारतें नाकाम क्यों है, इसलिए कि बद्दियां में दी झूठ है, धोखा है। अच्छा ये आपने देखा होगा खासतौर से कपड़ों के जो ताजिरीन होते हैं रेडीमेड वगैरह में, वो लोग जो है ना ये बोलते हैं इतने में तो हमारे को बड़ा बड़ा 80% छूट रहती वो, 80% छूट रहती। तुमको क्या जरूरत है बोलने की कि मेरे को इतने में पड़ा, आप ये बोलो मैं आपको इतने में दे सकता हूं, बात मेरे को इतने में पड़ा बोल के झूठ
फिर उसके बाद उस ऊंट पर कमाया। कहां से बढ़ जाता है? दूसरी वजह यह है कि हम लोग जो कारोबार करते हैं, कारोबार के लिए सबसे पहले फाइनेंस में पैसे होता था। एक लानत को लेके कारोबार शुरू करते हैं, वो लानत जब तक रही कोई कारोबार नहीं पलटता। वो नहीं हुआ तो बीवी का कैंसर और अपनी पल्सर दोनों रहने संतर। वो नहीं हुआ तो ये चीज होगी। अब वहां फिर उस पे मिट्टी पे मिट्टी भरते रहता, वो भी लानत है। तो मैं वादिया ये सुना रहा था कि एक ताजिया था जिसका बड़ा सिक्का था बिजारा था। इत्तेफाक ये हुआ कि हालात बदले और वो अरबों पति से कंगाल हो गया। बहुत जगह फिरा इधर उधर। एक दोस्त ने मशवरा दिया कि मियां एक मौलाना साहब है, चलो उनके पास चलते हैं, अल्लाह वाले हैं, तो खाली लूटने वाले नहीं, अल्लाह वाले हैं। आज हमारे पास खाली होलिये हैं, हमारे पास आज सिर्फ होलिये हैं, अंदर खोखला है, खोटा है, खरा नहीं। तो वो बड़े अल्लाह वाले थे, उन अल्लाह वालों के पास उस ताजिर को ले गए। ताजिर ने जाकर अपनी रुदात सुनाई के हजरत ऐसे ऐसे हालात हुए और मैं कहां था और कहां आ गया। तो उन बुजुर्ग ने वो सारी बातें सुनकर एक जुमला कहा, नाप तोल सही करो। उन बुजुर्ग ने क्या कहा? नाप तोल सही करो। इस आदमी ने जब सारी बात सुनाई और उनका वो जवाब आया तो समझ गया कि वाकई अल्लाह वाले। अब उसने जो तिजारत शुरू की, जो उसका तिजारत चल रही थी, उसने एक मामूल बनाया, कहा कि मैं अपने हाथ से तोलूंगा नहीं, अब आने वाले ग्राहक को कहूंगा कि तू खुद तोल ले और थोड़ा उसमें इजाफा डाल, तू खुद तोल ले और उसमें थोड़ा सा इजाफा डाल दे। उस इजाफे पर कोई तुझसे रकम इजाफी नहीं ली जाएगी, लेकिन तू तोल अपने हाथ से ताकि तेरे दिल को इत्मीनान हो जाए कि मैंने मुकम्मल तोल करके लिया। अब जब ये अमल उसने शुरू किया तो लोगों को पता चला, देखो अच्छाई का इल्म जो है वो पब्लिक टॉक के जरिए से पहुंच जाता है। तो जाकर के जो है लोगों में ये बात का चर्चा हुआ, आम हुई ये बात, लोग दूर दूर से उसकी दुकान पर आने लगे और तिजारत में ऐसी बरकत हुई, ऐसी बरकत हुई कि वो वजन करने के जो बाट होते हैं, वो किलो अथवा वो चटा, वो बाट, उसने वो बाट सोने के बने बनाए। इतनी बरकत हुई, सोने के बाट बनाए और वो बाट बनाकर वो बुजुर्ग की खिदमत में गया। कहा कि हजरत आपने जो हुक्म दिया और आपने जो बात इरशाद फरमाई, मेरी जो इस्लाह की आपने, मैंने उस पर अमल किया, फिर उसकी बरकतें मैंने अपनी आंखों से देखी, ये मैं आपके लिए नजराना लेकर के आया, ये मैं आपके लिए नजराना लेकर के आया हूं। तो बुजुर्ग ने कहा कि जाओ इसको समंदर के किनारे डाल दो। बुजुर्ग ने कहा कि ये सोने के जो बाट है इसको समंदर के किनारे डाल दो, मुझे नहीं चाहिए। अब चूंकि उस मकाम तक पहुंचा था उनकी नसीहत पर अमल करके, इनकार नहीं कर सका, गया और समंदर के किनारे उसको डाल दिया। पानी की लहरें आती गई, वो जमीन के अंदर जाते रहे। कई दिन गुजर गए, एक काफिला आया जो इस ताजिर से अपना सामान खरीदता था और लंबे अरसे से खरीद रहा था। जब वो काफिला उस किनारे से गुजरा समंदर के, तो उनके पैरों में कुछ चुभने लगा, उनके पैरों में कुछ चुभने लगा। उन्होंने थोड़ा सा कटोरा देखा तो उसके अंदर से वो सोने के बाट बाहर निकल आए। अब उन काफिले वालों ने गौर किया और अंदाजा लगाया कि इस पूरे इलाके में सिवाय उस एक ताजिर के कोई इस लायक और इस हैसियत का नहीं है जो सोने के बाट बना सके। तो उन्होंने वो सोने के बाट उठाए, जाना भी उसी ताजिर के पास था, गए और जाकर ने कहा कि मियां समंदर किनारे तुम्हारा ये सामान हमको मिला,
अब वो उन बातों को लिया और दौड़ता हुआ बुजुर्ग के पास पहुंचा, कहा कि हजरत आपने जब मुझसे कहा कि इसको समंदर के किनारे डाल दो, मैंने डाल दिया, दिल पर पत्थर रख करके डाला, इसलिए कि सोने की चीज है, कीमती सामान है, मैं कैसे इसको डाल देता, मगर हुक्म चूंकि आपका था इसलिए मैंने डाल दिया। आज फिर दोबारा ये बात मेरे हाथ में आ गए, कहा हलाल का है कहीं नहीं जाएगा, फिर तेरे ही पास आएगा। आज हमें इस बात का यकीन नहीं है, आज हमें इस बात का यकीन नहीं है कि रोजी पहुंचाने वाला वो परवरदिगार है। आपके किसी से अजब करने, जलने, बोझ रखने या किसी के खिलाफ साजिशें करने की वजह से ना उसका रिस्क कम होगा ना आपका रिस्क बढ़ेगा। और आप साफ कहता है ना तो कसम का पैदा हो मैं ईशा का हूं फिर आया दिन दुनिया, अपने दुनिया के अंदर तुम्हारा रिस्क बांध दिया। हलाल कमाने का मिजाज बनाओ, हलाल कमाने का मिजाज बनाओ, हराम के अंदर कोई बरकत नहीं है, हराम वक्ती तौर पर बहुत ज्यादा लगता है, हलाल थोड़ा होता है मगर बरकतें खूब होती, बरकतें खूब होती। तो मेरे बुजुर्गों ताजरीन को चाहिए हुजूर की तिजारत जैसी अपनी तिजारत है जी, दुकानदारों को चाहिए कि हुजूर की सीरत के मुताबिक अपनी दुकानदारी चलाएं, और बड़ों को चाहिए कि अपने छोटों के साथ शफ़क़त वाला मुआमला रखें, छोटों को चाहिए कि अपने बड़ों का इकराम और एहतराम करें, और फिर खास तौर से बहैसियत मुसलमान हमारी जात से, हमारी जुबान से, हमारी सोच से, हमारी फिक्र से किसी दूसरे मुसलमान को तकलीफ ना हो, और हमारी जुबान किसी की गीबत और किसी की चुगली और किसी की बुराई के अंदर मुब्तला ना हो। बहैसियत मुसलमान ये हमारी जिम्मेदारी और ये हमारे अखलाक का वो मजहर है कि जिन अखलाक को देखकर लोग कभी मुसलमान हुआ करते थे, आज हमारे अखलाक को देखकर लोग इस्लाम और मुसलमानों को दूर से सलाम कर रहे हैं, दूर से सलाम कर रहे हैं। मुझे तफसील में जाना नहीं है, बस इशारा कर दिया। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे आपको और पूरी उम्मत मुस्लिमा को नबी के अखलाक अपनाने और नबी की सीरत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमा दे। आमीन या रब्बिल आलमीन। व आखिरु दुआना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।